अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं आपको जो है रिव्यूज़ देने वाली हूँ BBA बाय सुलेमान के एलोवेरा सूदिंग जेल के। और ये जो है एज अ नाइट क्रीम भी यूज़ होती है और इसके रिज़ल्ट्स जो है मैंने यूज़ किए हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर इसके ऊपर लिखा हुआ है फॉर ऑल स्किन टाइप, लेकिन ये फॉर ऑल स्किन टाइप नहीं है। तभी मैंने सोचा कि मैं एक छोटी सी वीडियो बना के आपको जो है इन्फॉर्म कर दूँ, ताकि आप अगर BBA के कोई प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं तो फिर आप उसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस आपको हो। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, इसकी पैकेजिंग जो है वो बहुत ही अच्छी है। उसी से अंदाज़ा हो जाता है कि ये प्रोडक्ट कैसी है और किस क्वालिटी की हो सकती है। तो यहाँ पर जो है इसकी साइड पे इसकी यूज़ लिखा हुआ है और बैक साइड पे इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं। अच्छा, एक मैं बात आपको बताऊं, जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदे तो इंग्रेडिएंट्स जो है वो ज़रूर देख लिया करें, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है पता चल जाती हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको जो है इंग्रेडिएंट्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला इंग्रेडिएंट है एक्वा। एक्वा सिंपली मीन्स वाटर। तो वाटर जो है चीज़ों को मिक्स करने के लिए वो इसमें डाला गया है। दूसरा इसमें है पेंटिलिन ग्लाइकोल, जो कि एक मॉइस्चराइज़र भी है और काफ़ी हद तक ये जो है हाइड्रेटिंग एजेंट भी से कह सकते हैं। और एक चीज़ कि ये हल्का सा जो है इरिटेशन भी करता है कभी कभार आइज़ और स्किन पे। उसके बाद इसमें है प्रोपेन डायल, तो ये भी जो है मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। उसके बाद ग्लिसरीन है, मतलब कि इसमें जो भी चीज़ें एडिड हैं वो अकॉर्डिंग टू ड्राई स्किन है। मतलब अगर किसी की स्किन नॉर्मल है और ड्राई है, नॉर्मल टू ड्राई, इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। और जिनकी सेंसिटिव है उनको मैं कहूँगी कि ये इनको जो है अवॉइड करें, क्योंकि ये लगाते वक्त हल्का सा जैसे इसका जो फील आता है वो जो आइसी फील होता है ना, आप जिसे ठंडा कर देता है, तो वो वाला फील होता है। तो अगर जिनकी स्किन जो है वो सेंसिटिव है तो उनको जो है ये रैशेस भी कर सकता है। तो आप जो है सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। बाकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और इसको जो है लगाने का तरीका ये है कि सिंपली फेस को अच्छे तरीके से क्लींस कर देना है, उसके बाद फेस को ड्राई करके। और इस सूदिंग जेल का, एलोवेरा सूदिंग जेल जो है BBA बाय सुलेमान का, उसका अच्छा सा लेयर आपने लगा देना है अपने फेस पे और नेक पे, आई एरिया और लिप्स पे ये नहीं लगना चाहिए, केयरफुली लगाना है आपने, क्योंकि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो उससे जो है इरिटेशन हो सकती है। और यहाँ पर मैं इसको रबिंग करके आपको दिखा रही हूँ ताकि मैं इसका टेक्सचर आपको दिखा सकूँ। और लाइट सा टेक्सचर है पर आपने रबिंग नहीं करनी, जस्ट अच्छे अमाउंट में लेयर लगा देना है अपने फेस पे और नेक पे, देन ओवरनाइट छोड़ देना है। सुबह को आपने वॉश करना है नॉर्मल पानी से और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए। और इसके प्राइस जो है वो अभी जो है वो डिस्काउंट में चल रहे हैं। वैसे इसके प्राइस 1000 है, लेकिन अभी 70% ऑफ में चल रहा है इनकी वेबसाइट पे और 300 में ये आपको मिलेगा। तो आप अभी जो है वो बाय कर सकते हैं। इसीलिए ही मैंने वीडियो बनाई ताकि जो है आप ऑफ़र अवेल कर सकें। और इनकी वेबसाइट पे और भी ज़्यादा ऑफ़र्स चल रही होती हैं तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। तो बस जी यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो, छोटी सी मैंने बनाई ताकि आपको मैं एक अच्छे प्रोडक्ट के बारे में बता सकूँ। और विंटर चल रहा है तो उसके लिए जो है ना आपने अपनी स्किन की बहुत ज़्यादा केयर करनी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।